हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो थंबनेल्स देख के समझ में आ गया होगी आज वीडियो पे किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो आज बात होने वाली है मेरे GoPro Hero 9 के बारे में, जो कि मैंने YouTube के फर्स्ट इनकम से परचेस किया है, वो है GoPro Hero 9 ये। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वैसे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ मैं, शॉप में ओपन करना पड़ता है, गारंटी वारंटी के लिए देखना पड़ता है ना भाई, सही सामान है कि नहीं। तो इसको मैं फिर से अगेन अनबॉक्सिंग करूँगा आप अपने लिए, और ताकि मेरी मेमोरी में रह सके। वैसे वहाँ पर पोस्टर कार्ड ने किया ही था, फिर भी मैं एक बार और इसको अनबॉक्स करके रिव्यू करना चाहता, देखना चाहता, बताना चाहता था। सरक रहा है यहाँ से, खिसक रहा है। लोग बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये कैमरा क्या यूज़ आता है। तो ये कैमरा यूज़ आता है एज आप जब भी मोटो व्लॉग कर रहे हो या कहीं कुछ भी एक्शन वर्क कर रहे हो, तो इस कैमरे से स्टेबलाइजेशन अच्छा आता है। और ये छोटा रहता है, इसके कारण ये क्या है ना, आप इसको कहीं भी हेलमेट में या फिर अपने शोल्डर पे और हाथ पे रिस्ट पे इसको माउंट कर सकते हो। जनरली कोई कई मूवी में दिखाया भी है कि आर्मी वाले अपने हेलमेट में या फिर शोल्डर में यहाँ पर एक कैमरा फिट करके रखते हैं, तो वो GoPro कैमरा ही रहता है, और या फिर कोई अनदर एक्शन कैमरा रहता है। बट इंडिया और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा GoPro ही चलता है। GoPro का भी बहुत सारा वर्ज़न आ गया है, बट मैं जब ये इसका चौथा या पांचवा वर्ज़न चला था, GoPro Hero 4 और Hero 5 चला, तब से मैं सोच के रखा था कि मेरे को ये GoPro Hero लेना है। बट क्या है ना, उस टाइम मैं उतना घर में बोल नहीं सकता था ना लेने के लिए, तो नहीं लिया। बट अब क्या है, YouTube में वीडियो बनाने से कैमरा जो GoPro Hero 9 है थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए पहले मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। हफ्तों दो हफ्तों महीनों भर इसका कम से कम महीनों भर इसके बारे में सर्च किया, और YouTube में वीडियो देखे इसके बारे में, और जो लोग परचेस कर चुके थे उसके बारे में रिव्यू वीडियो बनाए थे, तो मैंने उनका रिव्यू वीडियो भी देखा, और GoPro वेबसाइट पर भी जाके देखा इसकी कितने साल की वारंटी है और क्या इसके फीचर्स हैं। वो सब सर्च करने के बाद मैं फाइनली मैंने इसके सोचा कि GoPro ले लिया जाए, कि ज़्यादा बेटर है। मोटो ब्लॉगिंग क्या, कहीं कहीं जाना ही, घूमना फिरना रहता ही है और वीडियो बनाने का रहता ही है, तो बार बार अपन क्या है ना, मोबाइल कैमरा इतना बड़ा होता है कि हम उसको बार बार निकाल के रोड पे या फिर कुछ अच्छा अचानक से हम कहीं जा रहे हैं बाइक में या फिर गाड़ी में जा रहे हैं, तो क्या होता है अचानक कुछ ऐसा अच्छा सीन आ जाता है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, बट तुरंत इंस्टेंट में हम उसको फ़ोन को निकाल के कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है गाड़ी चलाते टाइम। तो ये क्या होता है ना, GoPro जो है अपने डैशबोर्ड पे, जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, सामने माउंट हो जाता है। आप अपने हेलमेट पे भी माउंट कर सकते हो, अगर हेलमेट पे उसको माउंट कर सकते हो, या फिर ऊपर में, या फिर एक इसका वो आता है, क्या बोलते हैं इसका, चिन माउंट आता है, जो कि अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है। तो उसके थ्रू आप इसको अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हो, और कोई भी मतलब अच्छा मोमेंट आ रहा है उसको वीडियो को आप कैप्चर करके रख सकते हो। तो इसमें कैप्चर करना भी इजी है ना, तो इसको मतलब बटन ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस ऊपर वाला बटन दबा दो, अपने आप कैमरा ऑन हो जाता है। जिस सेटिंग में इसको करके रखे हो, तो अपने आप उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है, और कैमरा बटन बंद करने पर वो कैम आपका वो जो शूटिंग हो रहा है वो बंद भी हो जाएगा। मेरे को परचेस किए हुए अभी 2-3 दिन होने जा रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि इधर उधर ट्रैवल करना था, कहीं जाना था फैमिली फंक्शन से, तो इसका वीडियो नहीं बना पाया था मैं। तो इसका मैं डायरेक्ट टेस्टिंग कर दिया, अनबॉक्स करके इसका डायरेक्ट मैं टेस्टिंग किया था, जो कि अपने गाड़ी पे ही किया था। तो उस गाड़ी का टेस्टिंग किया तो बहुत ही अच्छा जो स्टेबलाइजेशन था, अगर मोबाइल में आप वीडियो बना रहे हैं तो उसका उतना स्टेबलाइजेशन नहीं रहता है, बट GoPro का जो स्टेबलाइजेशन, क्योंकि वो एक्शन कैमरा है, तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा था। इसकी फाइल जो रहती है बहुत ज़्यादा MB की फाइल जनरेट करता है, तो इसमें मेमोरी कार्ड भी बड़ा हुआ लगता है। बस इसमें GoPro में एक जो प्रॉब्लम ये है कि ना, इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, इसकी बैटरी बहुत छोटी छोटी आती हैं, तो इसको बार बार ये मिनिमम आपका जो वीडियो है वो हार्डली डेढ़ या ढाई घंटे का वीडियो रिकॉर्ड देता है, और जो आपका आवर्स है वो आपके मेमोरी कार्ड पे डिपेंड करता है कि कितना आप पे मेमोरी कार्ड का, कितना GB का मेमोरी कार्ड आपने लगा के रखा है अपने फ़ोन। तो अब बात आती है, मैंने ये GoPro परचेस कैसे किया। तो क्या है ना कि मैं बहुत सालों से पहले भी वीडियो अपलोड करता था, बट जनरली वीडियो में कुछ मूवी का सॉन्ग डाल के
उसको अपलोड करता था या कहीं भी वीडियो वीडियो बनाता था तो उसको एडिट करके ऐसी सॉन्ग डाल के अपलोड करता था। फिर उसको दोबारा वीडियो को मैं देखता नहीं था, मतलब देखता नहीं था मीन्स मेमोरी के लिए रहता था। कभी खोल दिया यूट्यूब तो अपने उसके लिए रखा था स्टोर करने के लिए कि कभी फ्यूचर में उसको देखा जाए करके, कि उस टाइम हम कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या एक्टिविटी करते थे, डांस करते थे, कुछ भी करते थे। तो कॉलेज के वीडियो या फिर इधर उधर कहीं भी जाने आने आने का वीडियो को मैं अपलोड कर देता था। तो बाद में जब मैं देखा कि उसमें जो जब बाद में मैंने देखा कि उसमें जो आपका क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब में मोनेटाइजेशन का, वो मेरा पूरा हो गया है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा क्या है उसका क्राइटेरिया, 1000 एंड 4000 वाला। तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच ओवर, तो जो कि पहले ही कंप्लीट 10 10000 वॉच ओवर पहले ही हो चुके थे मेरे। बट मैं क्या है, मोनेटाइजेशन किया नहीं था उस टाइम, खोला नहीं था, लास्ट ईयर ही हो गया था। तो फिर यूट्यूब खोल के एक दिन देखा तो स्टूडियो स्टूडियो जो भी उसका ऐप रहता है एक, उसको खोल के देखने में समझ में आया कि इसको मोनेटाइज किया जाए। तो मोनेटाइज़ किया, उसके बाद फिर उसमें बहुत मोनेटाइज नहीं हो रहा था। उसका कारण ये था कि मेरे चैनल पे बहुत सारे स्ट्राइक से कॉपीराइट क्लेम्स थे, तो उसको हटाना था पहले, या तो मेरे को उसको डिलीट करना था या तो मेरे को वीडियो डिलीट करना था, या फिर उसको एडिट करके दोबारा डालना था, या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने थे ताकि कॉपीराइट क्लेम हट सके। तो वो सब करने में बहुत टाइम लग गया, मतलब करीबन 2 4 दिन लग ही गया, क्योंकि नेट स्लो रहता है और हाई स्पीड नेट चाहिए उसके लिए हटाने के लिए। तो वो सब करने के बाद तो मैं बहुत सारे वीडियो को डिलीट करना पड़ गया मेरे को, क्योंकि अब बहुत टाइम ले रहा था मैं, जिसमें ज़्यादा व्यू नहीं था उस वीडियो को मैं डिलीट ही कर दिया, या तो कुछ वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया। तो उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और मोनेटाइजेशन हो गया चैनल। तो जो उससे मेरा अर्निंग हुआ, तो मैं सोचा इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो जो है मैंने गोप्रो ले लिया, गोप्रो इसलिए लिया है, तो गोप्रो हीरो लेने का मेरा कारण यही था, वीडियो ही बनाने का कारण था। वीडियो बनाना अच्छा लगता है और मैं इधर उधर ट्रैवल करते ही रहता हूँ, तो बार बार मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। उसी के कारण मैं फिर गोप्रो ले लिया, ताकि वो हेलमेट में माउंट रहे या कहीं भी गाड़ी बड़ी गाड़ी में जाऊँ तो उसमें माउंट कर सकूँ और वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकूँ अपने मेमोरी के लिए। मतलब तो टहलते टहलते अपना छोटा भाई मिल गया गार्डन में। ये क्या है, ये भी छोटा छोटा यूट्यूबर है, ये भी वीडियो बनाता है, स्टेटस के लिए वीडियो बनाता है, समथिंग इस होता है। गार्डन की बात बताऊं? हाँ, इस गार्डन की बात बताएगा भाई, बताओ चलो बेटा, बता दे बता दो। बता, इस गार्डन में कुछ नहीं होता, हाँ हर वक्त दो लोग आते हैं, कभी कभी इधर शराबी पी जाती है, पार्टियां की जाती है, पैसे उड़ाए जाते हैं। पैसे किसके ऊपर उड़ाते हैं बेटा? दोस्तों पर उड़ाते हैं हर वक्त। दो लोग आते हैं और पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं, पार्टी वार्टी तो करते थे, देख लो तो क्या कचरा है बेटा वो तो। कचरा नहीं, कुछ लोग हर वक्त आते हैं। नहीं पर गार्डन बहुत अच्छा है ना, हर वक्त तो सीट है। तो आप वही देखने आते हो नहीं, कौन दारू पी रहा है, कौन वो कचरा उड़ा नहीं। रहा है। हाँ, तो मेरे गोप्रो लेने का कारण यही था कि मैं वीडियो बना सकूँ, जब भी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और ऐसा मोमेंट आ जाए कि मोबाइल निकालने का टाइम नहीं अपने पास में, तो हम बस एक बटन दबाएं और रिकॉर्ड चालू हो जाए। ये देखो फिर हीरो साइकिल आके घूमने लगा पीछे। तो ऑनलाइन मैं गोप्रो इसलिए ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन आने पे फिर बहुत सारा कारण रहता है ना, देखें तो यूट्यूब में दिखाता है ना, फ्लिपकार्ट में कभी कोई ईटा डाल के भेज देता है, कोई बुक डाल के भेज देता है। तो मैं सोचा कि शॉप से ही ऑर्डर किया जाए, शॉप के थ्रू ही ऑर्डर किया जाए। शॉप से आने पर क्या है, हम वहाँ पर अनबॉक्सिंग करके देख भी सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, और शॉप वाले क्या है ना, जेन्युइन प्रोडक्ट ही मंगाते हैं। तो गोप्रो में जो मेरे को मिला था और 3 4 चीज़ और मिला था, जो कि एक डाटा केबल था, और डाटा केबल का फ़ोटो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना, मैं उसको घर पे रख दिया हूँ और उसको लेके नहीं आया हूँ। डाटा केबल था और एक माउंट करने के लिए था, जो कि मैं गाड़ी में फिट कर दिया हूँ उसको, और गोप्रो को एक बैटरी और देना चाहिए था, हालांकि एक ही बैटरी दिया है जो कि बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो कोई बात नहीं, एक बैटरी और ले लेंगे बाद में। मोबाइल में बनाने पे और गोप्रो में वीडियो बनाने में जो डिफरेंस है वो ये है, करके दिखाता हूँ ना मैं, जैसे मैं मोबाइल लेके दौड़ रहा हूँ, ये वो क्या है, वीडियो जो है शेक हो रहा है। अब मैं गोप्रो से भाग के दिखाता हूँ, तो मैं गोप्रो पकड़ के भाग रहा हूँ, इसमें क्या है, वो वीडियो उतना शेक नहीं हो रहा होगा, बट उसमें होता है। और इसका वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों ही ज़्यादा अच्छा रहता है मोबाइल के कंपेयर। और ये क्या एक्शन कैमरा है, तो दौड़ने वड़ने में और एक्टिविटी करने में क्या है, वीडियो ज़्यादा शेक नहीं होता है।
और ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा सा है। तो बहुत ज़्यादा रनिंग हो गया वीडियो का वो दिखाने के चक्कर में, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर, टाटा। और हाँ, इसका मैं माउंट मंगाया हूँ, चिन माउंट। जब वो चिन माउंट आ जाएगा तो मैं हेलमेट में लगा के तो दिखाऊंगा कैसे वो उससे हेलमेट में उसको माउंट करते हैं, और फिर ब्लॉग करके दिखाऊँगा उस टाइम।